उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक बड़ी खबर। जिलाधिकारी ने गंगा जी पर बन रहे 6 लेन पुल के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता के साथ कार्यों में और तेजी लाए जाने का दिया निर्देश। जी हां, जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री ने बुधवार को मलकहरहर से गंगा जी पर बन रहे 6 लेन पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था NH के अधिकारियों से सेतु निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ समय से कार्य को पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कहा कि निर्माण कार्य का और तेजी से कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैन पावर एवं मशीनों की संख्या को बढ़ाते हुए कार्य में और तेजी लाएं। जिलाधिकारी ने NH के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य की प्रगति के बारे में प्रत्येक 15 दिन के अंतराल पर बैठक कराते हुए इसकी प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताते चले कि ये पुल इसलिए भी अब तेजी के साथ बनेगा क्योंकि सन 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने के और इस चुनाव में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना चाहेगी, जिसके लिए प्रदेश में अधूरे कार्य को पूर्ण कराना भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी बताते चले कि इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नुजल श्री गंगाराम गुप्ता, NH के अधिकारी गण उपस्थित रहे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए शिवम नंदन की खास रिपोर्ट।